हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे असम राइफल्स का फाइनली जो है एडमिट कार्ड जारी हो गया है, बट काफ़ी सारे कैंडिडेट को डाउट है डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हम बता दें कि फिजिकल सेंटर पे जाने से पहले आप सभी को आप अपना डॉक्यूमेंट को जो है रेडी करके रखना है, ठीक है। आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि वहाँ पर यदि आपके पास यदि डॉक्यूमेंट एक भी नहीं है तो फाइनली आप सभी को वहाँ से हाथ में रिजेक्शन स्लिप जो है मिल जाएगा। तो आप सभी को फिजिकल में जाने से पहले सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट को जो है इकट्ठा कर लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए, ताकि वहाँ पे आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई आप सभी को समस्या ना हो। तो मेरे दोस्त, आप सभी को बता दें कि यदि आप ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, ट्रेड्समैन में जो भी ट्रेड हो जैसे कि कुक हो गया, बार्बर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो वाशरमैन का होता है पोस्ट, तो ट्रेडमैन में जो भी पोस्ट हैं, तो आप सभी जो है 10वीं लेवल पर फॉर्म अप्लाई किए होंगे। तो 10वीं का जो भी आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड किए होंगे, ठीक है, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट को अपलोड किए होंगे, वो आप सभी को डॉक्यूमेंट जो है टोटल लेकर के जाना होगा। इसके अलावा जो भी मेरे भाई असम राइफल्स कर हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, उन सभी को वहाँ पे लेकर के जाना होगा टाइपिंग सर्टिफिकेट, और इसके अलावा 10 और उसके बाद 10+2 यानी कि 12वीं का जो है जो भी डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट, वो आप सभी को लेकर के जाना होगा, ठीक है वहाँ पे। अब हम यहाँ पे बातें कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे फोटो कॉपी भी चल जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल आपका फोटो कॉपी वहाँ पे लगेगा, बट आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दिखाना होगा। तो आप लोग फोटो कॉपी और इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी आप सभी को वहाँ पे लेकर के जाना होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बातें कर लेते हैं टाइपिंग सर्टिफिकेट को लेकर के। काफ़ी लोगों का डाउट है, जो भी असम राइफल्स क्लर्क हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई किए होंगे उन सभी को डाउट है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि आप लोगों का टाइपिंग सर्टिफिकेट वहाँ पर देखा जाएगा, और उस पर आप सभी को ये भी देखा जाएगा कि आपका जो है टाइपिंग में स्पीड कितना है। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे तो फाइनली आप सभी को 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, और जो भी लोग यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। एक अलग सी वीडियो हम टाइपिंग के ऊपर ला देंगे कि वहाँ पे कैसा फॉर्मेट होता है और वहाँ पे टाइपिंग में जो है क्या वहाँ पे अपना कीबोर्ड यूज कर सकते हैं या नहीं। टोटल जानकारी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट को लेकर के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से आते हैं, उन सभी को सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, और एसएसटी कैंडिडेट का भी यहाँ पे सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है, एंट्री के समय आप सभी को वहाँ पे देखा जाएगा जब आप लोग फॉर्म को अप्लाई किए होंगे, और जो आपका चालान कटा होगा यानी कि जो आप लोग वहाँ पे अप्लीकेशन फ़ी जो लगा था उसका आप सभी को वहाँ पे लेकर के जाना होगा। अप्लीकेशन फ़ी का जो आपको रिसीविंग मिला होगा फॉर्म अप्लाई करते समय यानी कि अप्लीकेशन फॉर्म। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड वहाँ पर चेकआउट किया जाएगा। इसके अलावा आप को वहां पे एक आईडी प्रूफ में जैसे कि यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, वो आपसे भी वहां पे एंट्री के समय आप सभी को वहां पे चेकआउट करेंगे लोग, ठीक है। इसके अलावा आपको वहां पे प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड वहां पे देखा जाएगा, और आपके पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का कि आप इस स्टेट का निवासी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये वैकेंसी है असम राइफल्स का स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी जो है जारी किया जाता है, और स्टेट वाइज यहाँ पे कट ऑफ भी जाता है। तो फाइनली आप सभी को वहाँ पे चेकआउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी किया जाएगा कि आप जो है वास्तव में उस स्टेट का निवासी है या नहीं है। तो आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, 10 से 12 दिन में आप सभी को मिल जाएगा, ओके। इसके अलावा सर्टिफिकेट आप सभी को टोटल वहाँ पे चेक कीजिएगा, और जो भी भाई मेरे कलर खालदार के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उन सभी को टाइपिंग जो है सेम डे होता है, और नहीं तो अगले दिन भी लिया जा सकता है, और सेंटर के ऊपर डिपेंड है कि आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट सेम डे लिया जाएगा या नेक्स्ट दिन, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो एक हम अलग से ला देंगे, बट आप अपना सर्टिफिकेट टोटल यहाँ पर बनवा करके रेडी कर लीजिए। इसके अलावा आप सभी यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं वहाँ पे आप सभी को लगेगा, ठीक है, लगने वाला है, क्योंकि मेरा दीपू में सेंटर था तो दीपू में ये लोग जो है चेक कर रहे थे कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो फाइनली यदि आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम नहीं मिलता है ऑल पैरामिलिट्री फोर्स के तरह, जैसे कि बीएसएफ में आप सभी को टाइम दिया जाता है। इसके अलावा सीआरपीएफ में भी आप लोग जाते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट छूट जाता है तो आपको समय दिया जाता है, बट ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, फाइनली वहाँ पे आप सभी को रिजेक्ट कर देंगे वो लोग। तो आप लोग डॉक्यूमेंट अपना जो है रेडी करके लेकर के जाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स, जय हिंद।